alaikum students, I'm Samra Batool and uh, it's B.S. Math second semester class, and it's the sixth lecture of linear algebra and its application. Right, these are the recommended books as you know. Uh, today's topic is partitioned matrices, yeah, partitioning of matrices. राइट अ मेट्रिक्स कैन बी पार्टिशंट इन टू सब मैट्रसिस बाय ड्राॅइंग होरिजोंटल लाइन्स बिटवीन रोज एंड वर्टिकल लाइन्स बिटवीन कॉलम्स ऑफकोर्स द पार्टिशनिंग कैन बी कैरिड आउट इन मैनी डिफरेंट वेज जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है पार्टिशंट मैट्रसिस की डेफिनेशन uh, है पार्टिशनिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी मैट्रिक्स को uh, हिस्सों में डिवाइड कर देना और ये डिवीजन कैसे होती है ये रोज़ uh, के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं और वर्टिकल uh, लाइंस लगाते हैं बिटवीन द कॉलम्स ताकि आप उसको पार्टीशन कर दें जैसे कि एक एग्जांपल है द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू अब ये फोर बाय फाइव एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें फ़ोर रोज़ हैं और फाइव कॉलम्स हैं और आप देखें इसमें दो लाइंस लगी हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है अब ये जो बॉक्सेस uh, बन गए ना चार बॉक्सेस जिसमें पहले बॉक्स के अंदर है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ये एक मैट्रिक्स है ये खुद एक मैट्रिक्स है यानी ये टू बाय थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है आपने इसको नाम दे दिया ए वन वन दूसरा जो मैट्रिक्स है टू बाई टू ऑर्डर का ए वन फोर ए वन फाइव ए टू फोर ए टू फाइव इसको नाम दे दिया ए वन टू और इसी तरह नीचे ए वन ए टू वन और ए टू टू आपने इनको नाम दे दिए अब जो आपका पार्टीशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ए वो आपका क्या बन गया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू मतलब ये जो जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे मैट्रिसेस होंगे ठीक है एक मैट्रिक्स को आपने पार्टीशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया अब जो पार्टीशन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स बजाते ख़ुद क्या होंगे वो खुद मैट्रिक होंगे जैसे इसका पहला एलिमेंट है ए वन वन कैपिटल ए वन वन तो ये एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंड ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री क्लियर सो द मैट्रिक्स A कैन बी पार्टिशन एज इंडिकेटेड प्रीवियसली वी कुड ऑल्सो राइट अब इसी मैट्रिक्स को दूसरे तरीके से हम लोगों ने पार्टिशनिंग इसकी की है तो इससे आपको एक बात तो ये पता चले कि एक मैट्रिक्स को एक से ज्यादा वेज में आप उसकी पार्टिशनिंग कर सकते हैं पार्टिशनिंग आपने किस किसान से करनी है एक्चुअली पार्टिशनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आए समाइम्स आपने जो प्रोसीजर करने होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है मेट्रिस में या कुछ तो पार्टिशनिंग जो है उसे एज़ कम्पेयर टू आसान बनाती है मतलब आप चाहे पूरे अगर मेट्रसिस को डील करेंगे तो वो मुश्किल होगा काम अगर आप पार्टीशन मेट्रिक्स को डील करेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा तो इसलिए पार्टिशनिंग जो है वो करते हैं लेकिन पार्टिशनिंग आपको करवानी ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है लेकिन इससे रिले इसके चार या पांच क्वेश्चंस हैं सिर्फ आपने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है होपफुली अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो उन्हीं में से एक आ जाएगा ठीक है लेकिन पार्टीशनिंग है क्या आ, किसी भी मैट्रिक्स पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स लगा के उसकी डिवीजन कर देना उसकी पार्टीशनिंग कर देना ठीक है अब ये ए मैट्रिक्स ही है उसकी दो तरह से स्लाइड में पार्टीशनिंग की गई है एक में उसको Uh, चार हिस्सों में तकसीम किया गया यानी उसके एलिमेंट्स कितने बन गए टू बाई टू का वो मैट्रिक्स बन गया uh, दूसरे में उसका टू बाई थ्री का उसको मैट्रिक्स बना दिया दो वर्टिकल्स लाइन लगाई और एक हॉरिजोंटल लाइन लगाई और उसके मैट्रस बना दिए uh, और आगे लिखा विच गिवज एन पार्टिटिंग वे विद अ स्पीक ऑफ पार्टीशंट मैट्रसिस बस अब सिर्फ इसमें जो बात नोट करने की है वो ये है कि आपने हॉरिजोंटल और वर्टिकल लाइन्स लगा के किसी भी मैट्रिक्स को सब मैट्रिस में डिवाइड कर सकते हैं और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है आप उसको उसके एलिमेंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं जो पार्टीशनड मैट्रिस की फॉर्म में और पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है कि पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स लेकिन जो पार्टीशंट मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिस क्लियर सॉरी जी अब एक रियल uh, नंबर्स uh, की एग्जांपल लेट एज़ इक्वल टू ए एक मैट्रिक्स है अब इसमें आप इसके एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं अब इसकी कर दी पार्टिश्निंग पार्टिशनिंग कैसे कि दो लाइंस लगाई एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके चार हिस्से बन के चारों हिस्सों में क्या है चारों हिस्सों में टू बाई टू का एक मैट्रिक्स मौजूद है पहले मैट्रिक्स को नाम दिया ए वन वन अब आप ठीक है दूसरे मैट्रिक्स को देखें ए वन टू इसकी पोजीशन ही चेंज करनी और ये ए वन वन ए वन टू नाम देने का मतलब ये है कि जब आपका नया मैट्रिक्स बना है उसके अकॉर्डिंग आपने देना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ठीक है ए वन वन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए वन टू ठीक है इसके अकॉर्डिंग दिया है बाकी इसका कोई नाम सच इसलिए नहीं है कि ये बाकी ये है कि ए वन वन जब आपने कैपिटल ए वन वन लिखा है तो इट इज़ इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो टू राइट ये एक मैट्रिक्स है तो फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है पार्टीशनिंग की बी मैट्रिक्स लिया आ, जो कि फोर बाय फोर बाय सिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसकी भी आपने पार्टिशनिंग की इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया और जो बी है वो अब आपका क्या बन गया बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू 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 बाई टू का मैट्रिक्स बन गया आपका लेकिन इसमें और उस मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है आ, अगर देखा जाए तो बी और बी दोनों सेम हैं लेकिन पहले बी में कितनी रोज़ थी फ़ोर रोज़ थी और सिक्स कॉलम्स थे जबकि दूसरे बी में टू रोज़ हैं और टू कॉलम्स हैं फ़र्क ये है कि उसके एलिमेंट्स इंटीजर्स थे और इसके एलिमेंट मैट्रस हैं अच्छा अब ये दो मैट्रिक्स थे ए और बी अब फर्दर आपने क्या करना है ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए बी को मल्टीप्लाई करना आपको आता है फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए क्या हम चेक करते होते हैं ऑर्डर चेक करते हैं ठीक है थीके? अब ए का ऑर्डर क्या है ए का ऑर्डर है फोर बाई फोर और बी का ऑर्डर क्या है फ़ोर बाय सिक्स तो उसके कॉलम ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की तादाद के, के बराबर है इसका मतलब ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है लेकिन हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी हमने क्या करना है हमने करना है इसके जो पार्टीशन मैट्रसेज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है ठीक है हमने इसके पार्टीशन मैट्रसेज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है अब क्या है आपने जब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है यानी कैपिटल ए वन वन मैं ए वन वन क्योंकि इसमें स्मॉल नहीं मैं ए वन वन ही कह रही हूँ कैपिटल को ठीक है ए वन वन बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन ठीक है मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा ए वन वन बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन अब आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है और जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट एलिमेंट की जगह लिखना है और आप देखेंगे कि आप चाहे इसको ए बी को वैसे मल्टीप्लाई करें या इस रूल के तहत मल्टीप्लाई करें आपके आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे अब मैं आपको एक्सप्लेन uh, थोड़ा इस तरह से वीडियोस में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है uh, देखें अब ए वन वन को बी वन वन से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या ए वन वन और बी वन वन मल्टीप्लाई हो सकते हैं ए वन वन क्या है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है टू बाई टू बी वन वन क्या है वो भी एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है टू बाई थ्री ए वन वन के रोज़ की कॉलम्स uh, की तादाद बी वन वन की रोज़ की तादाद के बराबर है इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वन ज़ीरो को टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आ गया ये कैलकुलेशन आपने ख़ुद करनी है जो कैलकुलेशन साथ नहीं की होती है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करनी है ये आपने खुद करके इसको चेक करना होता है कि क्या ऐसे ही होगा और ये आंसर्स ठीक लिखे हुए हैं ठीक है अब आपने क्या करना है वन जीरो को टू जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया टू ये आपका ए वन वन और बी वन वन की प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट आ गया लेकिन ये हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट नहीं है क्यों क्योंकि अभी हमने ए वन टू और बी वन बी टू वन को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है नो no डाउट इन मैट्रस में आपको ये मेथड थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन ये मेथड जो है इसको एज़ कम्पेयर टू आप जब बड़े ऑर्डर्स के मैट्रसेस होते हैं जब उनकी मल्टीप्लिकेशन या उन पर प्रोसेस करना होता है तो इस तरह पार्टिशनिंग से इसको कहा जाता है कि आसान हो जाती है ठीक है लेकिन हाँ अभी आपके लेवल पे क्योंकि मैट्रसेज का ऑर्डर कम है तो आपको लगेगा कि ज़्यादा लेंथी काम हो गया और मैं फिर बता रही हूँ कि पार्टिशनिंग जो है करें ज़रूर मैं समझा रही हूँ लेकिन आ, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस के लिए आ, जो एस एम यूसुफ़ की बुक में दो हैं एंटन की बुक में नहीं है और बर्नट की बुक में भी दो या तीन क्वेश्चन हैं तो बस वो आपने प्रैक्टिस करनी है आप सिर्फ चाहे एस एम यूसुफ़ की बुक के जो दो क्वेश्चन और एक एग्जांपल है आप उसकी प्रैक्टिस कर लें पार्टिशनिंग की ठीक है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पार्टिशनिंग होती क्या है और अगर पार्टिशनिंग की हुई है और उसकी हेल्प से आपने उनको सॉल्व करना है या प्रोडक्ट लेनी है या एडिशन लेना है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं ठीक है अब ये देखें सी वन वन सी वन टू है नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा ये सी वन वन एक्चुअली आया कैसे सी वन वन क्या है सी वन वन इज इक्वल टू ए वन वन बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन क्लियर ये मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा और वो फर्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया अब क्योंकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैट्रसेज हैं इसलिए अंदर मैट्रसेज आए आपने इन मेट्रसेज को लिख दिया ए वन वन प्लस बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन ठीक है और अब इनकी प्रोडक्ट लेंगे हम लोग अब प्रोडक्ट लेने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सिर्फ एक चीज़ आपने यहाँ पे मेक श्योर sure करनी है कि पार्टिशनिंग आपको गिवन होगी पार्टीशन होंगे मैट्रसेज आपने खुद नहीं करने होंगे ठीक है अगर पार्टिशनिंग आपको गिवन है और आपको ए भी निकालने का कहा गया तो आपने ये देख लेना है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती अगर नहीं हो सकती तो फिर आपने कहना है कि इस पार्टिशनिंग के साथ इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता और अगर ख़ुद आपको पार्टिशनिंग करने को कहा जाए तो फिर आपने वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन अगर कह ये आ जाता है क्वेश्चन तो पार्टिशनिंग करते हुए मेक श्योर कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन uh, है फर्दर वो पॉसिबल हो जो आपके एलिमेंट्स हैं सब मेट्रिस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जैसे कि यहाँ पर है हालांकि ए वन वन और बी वन वन का ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो ए वन वन जो आपका मैट्रिक्स है वन ज़ीरो ज़ीरो टू आपने उसे मल्टीप्लाई किया बी वन वन से टू जीरो 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 वन वन से तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आया फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ज़ीरो आ गया इसी तरह आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ज़ीरो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू जी अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे ए वन टू बी टू वन और इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अच्छा एक और चीज़ आपने इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हुए ध्यान रखना है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो जब भी आपने इसके एलिमेंट्स को लिखना है ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे इसी तरह अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे ए के एलिमेंट्स बाद में आएंगे तो क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिसेस में कॉमोटेटिव नहीं है तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है मल्टीप्लाई करते हुए तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और उसके अलावा बाकी जो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है वही आपने करनी है तो uh, आपने उनकी प्रोडक्ट निकाली ए वन टू और बी टू वन की आपका जो आंसर आया दो मैट्रिस सेम ऑर्डर की आप देख रहे हैं कि आपका आंसर आ गया अब आप उनको इजीली ऐड कर सकते हैं उनको ऐड करके जो आपका रिज़ल्ट आया वो है आपका सी वन वन यानी आपका ए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और ये देखें सी वन वन का आंसर देख लें थ्री थ्री ज़ीरो सिक्स ट्वेल्व ज़ीरो और ये आ, लास्ट स्लाइड में देखें ये सी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट थ्री थ्री जीरो सिक्स ट्वेल्व ज़ीरो और ये इसके चार एलिमेंट्स हैं ये चारों आपने इसी मेथड से निकालने हैं एक एलिमेंट सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे फाइंड आउट होगा बाकी के तीन एलिमेंट्स आपने सॉल्व करके ख़ुद फाइंड आउट करने हैं और फिर अपना आंसर टैली करना है और अगर बल्कि ज़रूर करें प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है आप ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें विदाउट पार्टिशनिंग और आप अपने आंसर्स को टैली करें कि क्या आपके आंसर्स सेम हथ जी हाँ आपके आंसर्स सेम ही आएंगे लेकिन चेक ज़रूर करें मल्टीप्लिकेशन आई नो आप लोगों को मेट्रिस की बहुत अच्छी तरह से आती है लेकिन वही बात है कि अब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए लीनियर एल जबरा का पेपर जो है वो आसान होता है लीनियर एंड इट्स एप्लीकेशन का लेकिन वो uh, थोड़ा लेंथी होता है ठीक है कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती हैं तो आप uh, की कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपका जो है वो कम टाइम में पेपर सॉल्व हो जाए और बाकी जो आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आएँ तो उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए अच्छा दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग पार्टीशन मैट्रिसेस इज आल्सो नोन एज ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन ठीक है इसे ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि एक मैट्रिक्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में पार्टीशन कर दिया जाता है ना पार्टीशनिंग कर दी जाती है डिफरेंट ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और दूसरे को भी और फिर उनके ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट्स निकालते हैं तो इसको ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है पार्टीशनिंग के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको करवा दिया है इसी तरह के दो क्वेश्चंस फिर आपको बता रही हूँ एस एम यूसुफ की बुक में हैं बर्नर्ड uh, की बुक में भी हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चन से ठीक है जी एग्जाम्पल लेट बी इज इक्वल टू टू थ्री सी इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो एंड डी इज इक्वल टू दिस देन वी हैव बी डी अब आपको थ्री मैट्रसेस गिवन हैं बी सी और डी अब आपने एक नया मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया बी डी बी और डी को इकट्ठा करके लिख के आपने उसको लिख दिया तो इसको भी पार्टीशन मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है ये भी पार्टीशन मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स की खुद पार्टिशनिंग कर देनी या मैट्रिक्स को इकट्ठा करके लिख देना वो भी पार्टिशनिंग ऑफ मैट्रिक्स ही होता आता है जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है पहले अब अब फिर पढ़ेंगे हम लोग इस सिलेबस में भी लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी एक एग्जाम्पल है इस तरह के पार्टीशन मैट्रिक्स की तो बी और डी को आपने इकट्ठा करके लिखा डी सी इस तरह से भी लिखा जा सकता है अब ये देखें ऑर्डर डी यू फर्स्ट रो का एलिमेंट है सी सेकेंड रो का है उनको इसी तरह फर्स्ट रो और सेकेंड रो में लिख दिया तो ये पार्टिशन मैट्रिक्स बन गया डी और सी और साथ सी का ट्रांसपोज ये देखिए इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है तो ये कुछ मैथड्स हैं पार्टिशनिंग करने के मैट्रिक्स आपको गिवन हो तो कैसे आप उसको मर्ज करके भी लिख सकते हैं और एक मैट्रिक्स बड़ा मैट्रिक्स केवना तो उसकी पार्टिशनिंग कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रसिस एक मैट्रिक्स आपके पास है अभी आपने उस पर जो अरिथमेटिकेशन्स देखे मैट्रसिस में वो दो मैट्रस हैं मतलब आपने क्या सीखा उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना कॉन्जुगेट क्या है मतलब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी उसके अलावा कुछ आ, और ऑपरेशंस भी मैट्रिस पे हो सकते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ये तीन ऑपरेशन हैं इसमें फ़र्स्ट है इंटरचेंजिंग टू रोज़ मतलब किसी मैट्रिक्स की दो रोज़ को इंटरचेंज करना नंबर टू है मल्टीप्लाई आ रो बाय आ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट किसी भी रो को मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जीरो के अलावा जीरो नहीं कर सकते आपस माइनस वन टू थ्री जिस मर्जी नंबर से आप उसको वन और टू से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है नंबर थर्ड प्रोसीजर है ऐड अ मल्टीपल ऑफ अ रो टू एन अदर और साथ इसके नोटेशंस भी लिखी हैं कि इनको कैसे नोटिफाई यानी सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ऑपरेशन को तो ये तीन ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं किसी एक मैट्रिक्स पे अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं और जो आपके पास आंसर आता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं दीज आर रो इक्विवेलेंट मतलब ए था एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन था आपने उसकी पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया ठीक है पहली की जगह दूसरी लिख दी दूसरी की जगह पहली लिख दी अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया आपके पास दो आगे एक पहला ए एक बाद में दीज टू मैट्रिसेज आर सेट टू बी रो इक्वलेंट ठीक है फिर आपने नेक्स्ट क्या किया उसकी सेकेंड रो को टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब भी ये रो इक्विवेलेंट है मतलब ये पिछले वाले मैट्रिक्स से भी रो इक्विवेलेंट हम इसको कह सकते हैं और ऊपर स्टार्ट वाले मैट्रिक्स से भी तो यहाँ इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है कि टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी रो इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाई अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मतलब किसी मैट्रिक्स पे फाइनइट नंबर ऑफ टाइम्स आप रो ऑपरेशंस करें और जो आपके पास मैट्रिक्स आता है उसे हम रो एकबलेंट कहते हैं रो एकबलेंट ठीक है ये इक्वल तो ऑब्वियसली वो नज़र आ रहे होते नहीं होते लेकिन दीज आर रो एकबलेंट और ये क्या है ये आगे डिटेल में आपको समझ आएगी कि इन्हें रो एकबलेंट क्यों कहा जाता है ये सिलेबस पढ़ते हुए ठीक है टाइप्स ऑफ मैट्रस अभी रो केवलेंट जो मैट्रस हैं ये तीन ऑपरेशन हैं ये करते हुए आप मैट्रिक्स को एक ख़ास फॉर्म में ले आते हैं ठीक है उसमें हैं दो तरह की फॉर्म्स एक है रो एच एलन फॉर्म एक है रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म रो एचलन फॉर्म कैसी होती है मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन row echelon form if it satisfies the following properties rows consisting entirely zeros occur at the bottom of the matrix for each row that doesn't consist entirely of zeros the first known zero is one for each known zero row number one appear to the right of the leading one of the previous रो रो एचल फॉर्म ऐसी है ऐसी फॉर्म में होता है मैट्रिक्स कि उसकी हर सक्सेसिव रो में यानी अगली रो में पिछली रो से ज्यादा जीरोज़ हों एक बात दूसरी बात ये कि उन ज़ीरोज़ के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट हो रो का वो वन हो बस हर अगली रो में पिछली रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हों और अगर उन ज़ीरोज़ के बाद कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता है किसी रो में वो वन हो कि कोई रो पूरी की पूरी भी ज़ीरो हो सकती है उसको भी हम रिड्यूस्ड सॉरी uh, उसको भी हम रो एच एन फॉर्म कहते हैं तो आगे एग्जाम्पल से भी रो एच एन फॉर्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है बाकी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है रोज़ कंसिस्टिंग एंटायरली ज़ीरो एट द बॉटम ऑफ द तो मैट्रिक्स for each row that doesn't consist entirely of zeros the first non zero is one For each non-zero row number one appears to the right of the leading of the previous row. यानी yani, uh, ये जो last uh, step है ये आपको बता रहा है कि हर अगली row में पिछली row से ज़्यादा zeros होंगे तभी uh, जो one है वो right side पर होगा ना ऊपर से तो ये example से इसको ये देखें types of matrices में एक पहला एक मैट्रिक्स uh, आपको गिवन है वन वन माइनस फोर जीरो वन सेवन जीरो ज़ीरो ज़ीरो द इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिड्यूस्ड सॉरी इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रो एचल एन फॉर्म ठीक है क्योंकि पहली रो uh, है उसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है वन दूसरी रो में एक ज़ीरो है पहली से ज़्यादा और उसका भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है वन और तीसरी रो में तीन ज़ीरोज हैं यानी पिछले रो से ज़्यादा है चाहे सारे ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता और अगली रो है ही नहीं तो ये क्या है रो एचलन फॉर्म और जो बी मैट्रिक्स है वो भी रो एच एल एन फॉर्म में है हालांकि आप देखें इसमें कोई इंटायरली इन, इन, जीरोज़ वाली रो है ही नहीं लेकिन ये भी रो एच एल एन फॉर्म है तो रो एचल एन फॉर्म के लिए इन शॉर्ट क्या ज़रूरी है कि हर सक्सेसिव रो में पिछली रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हों और जो उसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो वन हो अच्छा इसके अलावा जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो वन अब ये जो मैं कह रही हूँ ना हर अगली रो में पिछली रो से ज़्यादा जीरोज हो वो उन जीरोज़ की बात हो रही है जो वन से पहले आ रहे हैं ठीक है अब वन आने के बाद अगर अंदर भी कोई जीरो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं मसलन जैसे अब ये ऊपर वाली एग्जांपल है जीरो वन और माइनस फोर सॉरी वन वन और माइनस फोर पहली रो है ना इसमें आपके पास ये रो होती वन ज़ीरो ज़ीरो हालांकि अब वन ज़ीरो ज़ीरो अगर ये रो होती तो आप कहते जी पहली रो में दो ज़ीरो हैं अगली में एक है नहीं नहीं वो वाले ज़ीरो नहीं कंसिडर करने जो लीडिंग वन से पहले वाले ज़ीरोज़ हैं हमने सिर्फ उन ज़ीरोज़ की बात करनी है बाकी एलिमेंट्स में ज़ीरो आ जाएँ या ना आएं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता रो एचलन फॉर्म में रो एचलन फॉर्म में क्या है जो लीडिंग वन है यानी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो वो उससे पहले वाले जो जीरोस हैं उनको कंसिडर करना है और वो हर सक्सेसिव रो में पिछली रो से ज्यादा होने चाहिए और ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं रो एचलन फॉर्म और दूसरी रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रो एचलन फॉर्म से रिड्यूस की गई है और इसमें और रो एचलन फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो देखें मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नंबर वन रोज कंसिस्टिंग इंटायरली जीरोज अगर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स मतलब अगर किसी रो में पूरे के पूरे सारे के सारे जीरोज हैं तो वो बॉटम पे होनी चाहिए उसके अलावा फॉर ईच रो दैट डजन कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरो द फर्स्ट नॉन जीरो इज वन थर्ड है फॉर ईच नॉन जीरो रो नंबर वन अपियर टू द राइट ऑफ द लीडिंग वन ऑफ द प्रीवियस रो अब आप कहेंगे तीनों तो सेम है जी हाँ ये तीनों पॉइंट सेम हैं जैसे रो एच एल एन फॉर्म में है वैसे ही रिड्यूस्ड रो एच एल एन फॉर्म में है फर्क कहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट पे और वो क्या है इफ अ कॉलम कंटेन्स अ लीडिंग वन देन ऑल अदर एंट्रीज इन द कॉलम आर जीरो इफ अ कॉलम कंटेन्स अ लीडिंग वन देन ऑल अदर एंट्रीज इन द कॉलम आर जीरो मतलब जिस कॉलम uh, में आपका लीडिंग वन है लीडिंग वन का आपको समझ आ रही है ये और कोई वन नहीं सिर्फ लीडिंग वन की हम बात करें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन आर रो तो जहाँ पर वो हो उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट भी ज़ीरो हों ठीक है तो रिड्यूस्ड रो एच एन फॉर्म में uh, पहली मतलब हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा जीरोस होते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होता है और इसके अलावा जहाँ पर वो वन मौजूद होता है उस कॉलम में उसके ऊपर और नीचे बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म और रो एचलन फॉर्म में ये एक डिफरेंस है क्वेश्चन आपको आएगा कि कोई मैट्रिक्स गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसे रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में चेंज कर दें और आपने जो तीन ऑपरेशन अभी पढ़े जिन्हें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है उनकी हेल्प से इन मैट्रिसेस को रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म या रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन हम नेक्स्ट uh, uh, जो आपका लेक्चर है इन शेवंथ लेक्चर उसमें करेंगे अभी मैं सिर्फ uh, बता रही हूँ और इसको एक्सप्लेन करूँगी और टाइम कितना रह गया है हाँ जी टाइम तकरीबन तो ख़त्म होने वाला है ट्वेंटी तो नाइन मिनट्स हो गए तो मेरी कोशिश होती है कि थर्टी से थर्टी टू मिनट्स का ही लेक्चर हो ज़्यादा लंबा ना हो आ, तो देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है हाँ जी अगली स्लाइड में कुछ एग्ज़ैम्पल्स हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि ये आ, कौन सी फॉर्म्स हैं पहला जो मैट्रिक्स है ए वन जीरो माइनस फोर जीरो वन सेवन जीरो जीरो ये कौन सी फॉर्म है इसकी क्या ये रो एचलन फॉर्म में है या रिड्यूस्ड रो एच फॉर्म में है ये रिड्यूस्ड रो एच फॉर्म है अब देखिए चार उसकी कंडीशन थी ना पहली कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन हो तो पहली रो का जो लीडिंग वन है उस कॉलम में बाकी सारे ज़ीरो हैं दूसरा जो दूसरी रो का लीडिंग वन है उस कॉलम में भी सारे ज़ीरो हैं कि इसी रो में लीडिंग वन ही नहीं है वो इंटायरली जीरो है तो इसका मतलब उसके लिए वो कंडीशन ही नहीं है कि उस बाकी ज़ीरो हों उस कॉलम के बाकी एलिमेंट जीरो हों तो ये रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म है और ये जो दू, आ, बी है मैट्रिक्स ये देखें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में है तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में होता है लेकिन हर रिड्यूस्ड रो एच फॉर्म जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी एक एग्जांपल है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एच फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आए जैसे कि देखें ए, ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ना लेकिन ये रिड्यूस्ड रो एच फॉर्म में है तो आपने क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे कि मेट्रिस गिवन होंगे और आपने उस पर रो ऑपरेशन करके तो उनको इन फॉर्म्स में लेकर आना है तो नेक्स्ट uh, लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें uh, करेंगे और इसके अलावा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक है खैर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा आप लोगों को असाइनमेंट्स uh, एक असाइनमेंट तो मैंने आपको थ्रू व्हाट्सएप दी थी इसके अलावा दूसरी वो असाइनमेंट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट आपको दूंगी अभी मैंने आपके असाइनमेंट्स चेक नहीं की आ, अच्छा अब ये है कि ये लेक्चर्स हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं आप तक के बाद में आते हैं तो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन और जो वैसे उस टाइम पे जो आपसे इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी शेयर कर रही है उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाए तो आपने परेशान ही होना कि मैम तो ये कह रही थी क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है रिकॉर्डेड होते हैं और ये मैं पहले सब टीचर्स डिफरेंट टाइमिंग्स पर इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं फिर आप तक लेट पहुँचते हैं ठीक है तो प्रैक्टिस करें साथ साथ करें इसको ये मत समझेगा कि बहुत आसान है तो नहीं आसान थैंक गॉड कि आसान है लेकिन इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो प्रैक्टिस आप साथ साथ करें ताकि आपका साथ, साथ कवर हो और ओके जी बेस्ट ऑफ लक टेक केयर अल्लाह हाफिज़